हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। गाइस, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट नंबर 2 रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझा था, जो कि मेन थी। अब बाकी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जिनको हम लास्ट लेक्चर में कवर नहीं कर पाए थे, तो आज भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर उन सभी अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस में होने वाले लेन देन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट बिटवीन टू पार्टीज एंड रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। इट इज फाइनेंशियल इवेंट एंड विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी एंड चेंज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। मतलब कि वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या वो लेन देन जो एक बिजनेस में होते हैं और जो बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, वो सभी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। सिंपली शब्दों में इसको समझा जाए तो एक बिजनेस में ढेरों ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे माल को खरीदा, माल को बेचा, किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया। तो ये जो सब ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिजनेस के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती है, उसमें चेंजेस करती है, और इन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये सब तरह के ट्रांजेक्शन्स क्या कहलाती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो अब बात करते हैं अकाउंट की। अब हम अकाउंटिंग को सीख रहे हैं तो हमें अकाउंट का मतलब भी पता होना चाहिए। अकाउंट का मतलब बहुत ही सिंपल है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है बिजनेस के अंदर, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करना। जैसे राम के साथ लेन देन हुआ है तो राम का अकाउंट हो गया, घनश्याम का अकाउंट हो गया, कोई एक्सपेंस पे किया है तो उस एक्सपेंस अकाउंट हो गया। जैसे रेंट है तो रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होगा। तो ये सभी जो ट्रांजेक्शन्स है एक पर्टिकुलर हेड में, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है हम इसको रिकॉर्ड करने के बाद उनको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर उसे डालते हैं, वो क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। गुड्स मतलब होता है माल, यानी कि वो सभी चीज़ें या वो आइटम जिसमें बिजनेसमैन डील करता है अपने बिजनेस में। जैसे मेरा एक बिजनेस है कंप्यूटर और लैपटॉप का, जिसमें मैं लैपटॉप और कंप्यूटर्स को परचेज सेल करता हूँ, तो उसमें मेरे लिए जो कंप्यूटर और लैपटॉप क्या होंगे? गुड्स होंगे। या मान लो मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसमें मेरा फर्नीचर जो खरीदता हूँ बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो गुड्स कहलाएंगे। अगर मैं कोई फर्नीचर को अपने बिजनेस में लगाता हूँ, मान लो मैंने 4 चेयर को और एक टेबल को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, रख लिया, ताकि कोई कस्टमर आए तो उनको वहाँ पर बैठा पाऊँ, उनके साथ मैं डील कर पाऊँ, तो जो मैंने टेबल और चेयर लगाया है बिजनेस के अंदर वो मेरी गुड्स नहीं कहलाएगी, वो मेरी एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि उसको मैंने रीसेल के पर्पज़ से नहीं ख़रीदा है। क्लियर है? इसी को ही गुड्स कहते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं परचेज़ की। परचेज़ क्या होता है? परचेज़ का मतलब होता है वो गुड्स, यानी वो माल जिसको हम बेचने के पर्पज़ से ख़रीदते हैं। हम परचेज़ को रॉ मटेरियल के रूप में भी ख़रीदते हैं अगर हम मैन्युफैक्चर हैं तो। यानी कि हम कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमें उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होगी, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। और अगर हम एक ट्रेडर हैं जो फाइनल प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और बेचते हैं बस, तो वो चीज़ें जो चीज़ें हम परचेज करते हैं खरीदने के बेचने के पर्पज़ से, उसके हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के पर्पज़ से, वो परचेज कहलाती है। अगर मैं कैश में कोई चीज़ परचेज करता हूँ तो कैश परचेज कहलाएगी, और अगर मैं गुड्स को उधार में परचेज करता हूँ यानी क्रेडिट बेसिस पे, तो वो क्रेडिट परचेज कहलाएगी। मान लीजिए मेरी एक बुक्स बनाने की फैक्ट्री है, यानी कॉपी बनाने की फैक्ट्री है, तो उन बुक्स बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल को परचेज करूँगा, ताकि मैं रॉ मटेरियल की हेल्प से इन जो बुक्स को फाइनल कर पाऊँ और उन्हें मार्केट में बेच पाऊँ, तो वो मेरा जो रॉ मटेरियल है वो भी मेरे लिए गुड्स परचेज है। तो उसके बाद बात करते हैं परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? वो माल जिसको हमने ख़रीदा है उसे वापस करना, यानी ख़रीदा हुआ माल वापस करना। माल वापस करने का कोई भी कारण हो सकता है, कि माल ज़्यादा आ गया, माल ख़राब आ गया, माल में कोई डिफेक्टिव होगा, कोई भी कारण से हम खरीदे हुए माल को वापस रिटर्न कर देते हैं। और जो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या कहलाता है? रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। यानी कि हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है सेल की, यानी कि वो गुड्स या वो माल जिसको हमने बेचने के पर्पज़ से ख़रीदा था, या वो फाइनल प्रोडक्ट जिसको हमने जो मैन्युफैक्चर किया था सेल करने के पर्पज़ से। तो इसमें हमने अपने
तो जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं ताकि हम उसमें प्रॉफिट कमा पाए और उसे हम सेल करते हैं। अगर हम कैश में सेल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कैश सेल। और अगर हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? क्रेडिट सेल कहलाएगी। नेक्स्ट आता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? बेचा हुआ माल वापस आना, यानी कि जो हमने सेल किया था वो कस्टमर दोबारा वापस हमें दे देना, वापस आ जाना हमारा माल, बेचा हुआ माल हमें वापस आ जाना। तो जो माल हमने सेल किया था वो किसी भी कारण से वापस आ सकता है, क्या पता वो डिफेक्टिव पीस निकले, ख़राब निकले, तो कोई भी कारण से कस्टमर हमें वापस से जो माल बेचा था हमने उसे वापस कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? सेल रिटर्न कहते हैं। सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है स्टॉक की। स्टॉक का मतलब है वो सभी प्रोडक्ट या गुड्स जो बिजनेस में सेल नहीं हुआ, यानी अनसोल्ड आइटम, उन्हें ही स्टॉक कहा जाता है। मान लीजिए मैंने 50 लाख का कोई स्टॉक गुड्स खरीदा था जिसमें से मैं 30 से 40 लाख का ही बेच पाया हूँ, तो जो बाकी जो पेंडिंग मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हैं वो मेरा क्या है? स्टॉक कहलाएगा। यानी 10 से 15 लाख का जो मेरा है वो स्टॉक कहलाएगा, जो अनसोल्ड आइटम है, जिसे बिजनेस में अभी सेल नहीं किया या सेल नहीं हुआ। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में हम बात करते हैं। बिजनेस में जब भी हम कोई डील करते हैं तो आमतौर पर हम डिस्काउंट का यूज भी करते हैं ताकि कस्टमर जल्दी माल खरीद पाए, है ना। तो ये जो डिस्काउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये वो डिस्काउंट होता है जिसे हम जिसे सेलर अपने कस्टमर्स को लिस्ट प्राइस पर देता है। जैसे कोई ब्रांडेड शर्ट है उस पर 2000 रुपये का MRP है और उस 2000 के ऊपर 20% ऑफ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि जो 20% डिस्काउंट उस प्रोडक्ट पर दिया जा रहा है लिस्ट प्राइस के ऊपर वो क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ प्राइस यानी कि जो लिस्ट प्राइस है उसमें से लेस करके हम नेट वैल्यू को ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये वो डिस्काउंट होता है जो बिजनेस में जल्दी पैसे लेने के पर्पज़ से दिया जाता है, उसको यूज करते हैं। एक तरह के एक रामबाण की तरह होता है ये, कि मान लीजिए मेरे पास मोहन आता है, मेरा एक बिजनेस है, तो मोहन आता है और मोहन बोलता है कि आप मुझे 10,000 रुपये का उधार में माल दे दो, मैं नेक्स्ट मंथ आपको पैसे दे दूंगा। तो मेरे बिजनेस के लिए ये सही नहीं है कि मैं एक महीने तक की उधार करूं इसे, तो मैं उसको थोड़ा सा लालच देता हूं कि अगर वो आज ही पैसे दे दे तो मैं उसको 1,000 रुपये कम में इसका हिसाब कर दूंगा, यानी कि 10,000 की जगह मैं उसके 9,000 रुपये लेकर उसका हिसाब कर दूंगा और गुड्स को सेल कर दूंगा। यानी कि जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया है जल्दी पैसा लेने के लिए वो क्या है? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। और ये जो कैश डिस्काउंट है वो हमारी बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एक तरह का ये खर्चा भी माना जाता है कि मान लो कहाँ 10,000 रुपये लेने थे, कहाँ मैं 9,000 रुपये ले रहा हूँ। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं वाउचर की। वाउचर का मतलब क्या होता है? वाउचर एक तरह का एविडेंस होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन्स हुई है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम कस्टमर को बिल देंगे, तो वो बिल क्या है? एक तरह का वाउचर ही तो है। आपने स्कूल की फ़ीस देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, उसके लिए आपको एक रसीद मिलती है। किसी सेंटर पे अगर पढ़ते हो, कंप्यूटर वगैरह पे हम सीखते हैं, तो उस पे हमें जब फीस पे करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक रसीद मिलती है। तो वो भी क्या है? एक तरह की वाउचर है, वो एविडेंस है कि आपने फ़ीस पे किया है। इसी तरह से ये क्या कहलाती है? कोई रिसिप्ट हो गई, वो सब क्या है? वाउचर हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हमने बिजनेस के साथ या हमने कोई ट्रांजेक्शन्स किया है, इसका ये प्रूफ है। तो एग्जांपल इसका है कैश मेमो हो गया, कोई रिसिप्ट हो गया, डेबिट कार्ड नोट हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? वाउचर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैड डेबिट की। बैड डेबिट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक पार्टी है जिसको जिसके साथ हमने एक डील की थी और हमने उसको 2,00,000 रुपये का माल सेल कर दिया उधार पर, और कुछ दिन बाद जब हमने पार्टी से पैसा लेने गए तो हमें पता चला कि वो जो पार्टी है, वो क्लाइंट है, वो दिवालिया हो गया, यानी कि उसके पास वो लायबल नहीं है पे करने को, वो हमारा पैसा देने में असमर्थ है, यानी कि सिंपल सा कहें तो हमारा पैसा डूब गया। तो वो जो हमारा पैसा डूब गया वो पार्टी क्या निकली? वो इंसॉल्वेंट निकली। तो इस चीज़ को बैड डेबिट कहते हैं, यानी डूबा खाता भी। जो अकाउंट हम जो पैसा हमारा डूब चुका है वो बैड डेब्ट कहलाता है, कि पैसा डूब गया। तो ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स थी जिसको हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको नॉलेज मिली होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू।